अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर मॉडल क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मॉडल के अंदर एक न्यू फाइल बनाना है और इसका नाम हम रखेंगे यूजर मॉडल डॉट जेएस। आपको जो भी नाम लिखना है आप लिख सकते हैं, डायरेक्ट यूजर भी लिखेंगे तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पर टॉप पे हमारा मॉडल्स का फोल्डर है, ऑटोमेटिकली हमको पता चल जाएगा कि ये यूजर मॉडल है। लेकिन इसके आगे अगर आप लिखेंगे यूजर मॉडल तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और इसमें हम क्या करेंगे, स्टार्ट में मोंगूस को इम्पोर्ट करेंगे और उसकी मदद से स्कीमा को डिजाइन करेंगे। स्कीमा मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप एसक्यूएल से फैमिलियर है तो उसमें टेबल और कॉलम के फॉर्म में हम डेटा को स्टोर करते हैं, यानी हमारे एप्लीकेशन में डेटा का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा उसको हमको डिफाइन करना है। तो उसी में हम क्या करते हैं, यहाँ पर मोंगो डीबी में, यानी नो सिक्वल डेटाबेस जो होता है, तो उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर स्कीमा की मदद से जो है डिजाइन करते हैं। अब ये फिक्स नहीं रहता है, इसको आप बाद में भी चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर फर्दर मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, जैसे आपके एप्लीकेशन की नीड है उसके हिसाब से आप इसमें बाद में भी चेंजेस कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मोंगोस को इम्पोर्ट कर देंगे। कॉन्स्ट मोंगोस इक्वल टू रिक्वायर ऑफ मोंगोस, मोंगोस को हमने इम्पोर्ट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले, स्कीमा को क्रिएट करेंगे। कैसे करेंगे, कॉन्स्ट यूजर स्कीमा, ये वेरिएबल हमने बना दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, न्यू स्कीमा क्रिएट करेंगे, किसकी मदद से, मोंगोस की मदद से, मोंगोस डॉट स्कीमा, मेक श्योर इसको कैपिटल लेटर में लिखें, और ये रहेगा ऑब्जेक्ट। इसके अंदर आप बता सकते हैं, जैसे कि हमारे केस में हम यूजर नेम रखेंगे और यहाँ पे इसका जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, और रिक्वायर भी इसको हम कर देंगे रिक्वायर रो, यानी यूजर को मस्ट है कि इसमें यूजर नेम वो पास कराए। उसी तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे ईमेल, ईमेल में भी हम क्या करेंगे, इसका टाइप डिफाइन करेंगे पहले शुरू, कौन सा डेटा इसके अंदर हम रिसीव करेंगे, तो टाइप ऑफ स्ट्रिंग, उसके बाद में यहाँ पे भी रिक्वायर रो। और इसमें एक यूनिक की प्रॉपर्टी होती है, यानी यूनिक ईमेल एड्रेस हमको चाहिए, तो इसीलिए हम इसको ट्रू कर देंगे, यानी सेम ईमेल आईडी जो है डबल से यहाँ पर रजिस्टर नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हमारे पास रहेगा पासवर्ड, इसका भी जो टाइप रहेगा उसको हम कर देंगे स्ट्रिंग, और ये है स्ट्रिंग, देखिए यहाँ पर टाइपो है, टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इसको भी हम क्या करेंगे रिक्वायर कर देंगे ट्रू, सेव कर लेते हैं इसको। और लास्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइम स्टैम्प को भी ऐड कर देंगे, तो टाइम स्टैम्प इसको भी हम कर देंगे ट्रू। तो जब जब हमारे पास डेटाबेस में डेटा क्रिएट होगा तो उसका टाइम भी हमारे पास कैप्चर रहेगा, इनकेस अगर आपको फिल्ट्रेशन देखना है तो इसके बेस पे आप देख सकते हैं। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बना देंगे कॉन्स्ट यूजर मॉडल के नाम से इक्वल टू, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर मॉडल को क्रिएट करेंगे, किसकी मदद से, मोंगोस की मदद से, तो मोंगोस डॉट मॉडल, और इसके अंदर हम क्या करेंगे मॉडल का नाम लिखेंगे, जैसे कि हमारे केस में हम लिखेंगे यूजर्स, और फिर रेफरेंस में आपको जो है आपने जो भी स्कीमा डिजाइन किया, जैसे कि हमारे केस में यूजर स्कीमा के वेरिएबल के अंदर सारे का सारा स्कीमा यहाँ पर डिजाइन है, तो एज अ रेफरेंस हम इसके अंदर इसको पास कर देंगे। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल इसको एक्सपोर्ट करना है। सो मॉड्यूल, ये है मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इक्वल टू यूजर मॉडल, तो इस मॉडल को हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दिया, सेव कर लेते हैं इसको, और हमारी एप्लीकेशन को एक बार रन कर लेंगे और चेकआउट करेंगे कि हमारे पास डेटाबेस क्रिएट होता है या नहीं। तो चलिए एप्लीकेशन को मैं रन कर लेता हूँ न्यू टर्मिनल, और यहाँ पे हम लिखेंगे npm रन सर्वर। तो यहाँ पर देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो गई और क्लाउड डेटाबेस से भी कनेक्ट हो चुकी है। चलते हैं MongoDB कॉम्पस में, और मैं क्लाउड डेटाबेस पे जो है लॉगिन हो जाता हूँ, तो कनेक्ट, और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हमारे डेटाबेस का नाम क्या था, टू डू था ना, तो इसको चेकआउट कर लेंगे कहाँ पर है, टेस्ट टेस्ट, ओके टू डू के नाम से तो अभी कोई भी क्रिएट नहीं हुआ है, तो रजिस्टर के टाइम पे देख लेंगे, अभी फिलहाल तो यहाँ पर शो नहीं कर रहा है। जैसे कोई ना कोई रिकॉर्ड हम देखेंगे तो उसमें आई थिंक हमको शो कर लेंगे, अगर नहीं करता है कुछ एरर आता है तो उसको फिक्स कर लेंगे, सो डोंट वरी।